Please put your hands together for Mr. Mazahir Sheikh. मजाहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह शुक्र है। मजाहिर साहब, आपने कचरा कुंडी में स्कूल बनाया था? जी हाँ, आज से 10 साल पहले मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, और वहाँ जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने वहाँ तकरीबन 250 बच्चों को कचरे के अंदर जख्मी हालत में देखा, और मैं उनको देखकर रो पड़ा। और फिर मैंने सेकंड डे जो है ना जाकर एक बोर्ड मैंने पकड़ा और कचरे पे जाके मैंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। सारे बच्चे पहले दिन भाग गए अपनी झुग्गियों के अंदर। फिर सेकंड डे एक बच्चा बैठ गया, उसको देखने के लिए 50-60 बच्चे जमा हो गए कि हो क्या रहा है तमाशा। जिन बच्चों ने कभी पेंसिल कॉपी रबड़ नहीं देखी, आज वो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं 10 साल। अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जामे कराची में केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, पोजीशन होल्डर हैं, और इसी स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहसिन अली। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन, आप केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं? यस। कौन से ईयर में? आई एम इन थर्ड ईयर। यू आर इन थर्ड ईयर? यस। एंड यू आर अ पोजीशन होल्डर? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ओके। तो इनसे कैसे मुलाकात हुई, मजाहिर साहब से? मैं सर मजाहिर के स्कूल में शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, मतलब नर्सरी क्लास से जो है मैं सर मजाहिर के स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ।
तो जब से मैं इनके साथ हूँ और आज तक मैं इनके साथ हूँ। ओके, तो आप पढ़ाते खुद भी हैं? मैंने पढ़ाना शुरू किया है और मेरा सर के स्कूल में, सर के स्कूल में भी पढ़ाता हूँ जब मुझे मौका मिलता है, और इसके अलावा मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है और अब मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो तुमने जो इंस्टीट्यूट खोला है वहाँ बच्चे फ्री पढ़ते हैं? जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ, बाकी जो लोग दे सकते हैं तो उनको फ्री पढ़ाता हूँ। बगाई साहब, आपने ये शुरू क्यों किया था? आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आपको, आपकी मुलाकात हुई थी उन लोगों से और वो जख्मी हालत में आपको मिले थे। जी, असल में ये तो हमारा जो 1987 में स्कूल है जो मुस्तफ़ा कॉलोनी न्यू कराची में है, असल में मैंने जब मास्टर किया केमिस्ट्री में तो मैंने सोचा कि मैं अपना करियर ना बनाऊं बल्कि उनका करियर बनाऊं जो माशरे पर बोझ बनते हैं बच्चे। ये ख्याल करके मैंने कराची की तकरीबन कई कच्ची बस्तियों का सर्वे किया और उसमें मैंने एक ऐसी बस्ती चुनी जिसमें सबसे ज़्यादा इखलाकी और माशी हालत ख़राब थी, सबसे ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल, माफिया डिफरेंट टाइप की, उनका आना जाना। तो मैंने वहाँ चैलेंज कबूल किया और वहाँ पर मैंने कचरे पर ही एक बोर्ड से, एक झुकी से इसका आगाज किया। तो जब मैंने फर्स्ट डे वहाँ स्टार्ट किया तो लोग समझे ये स्कूल नहीं कोई मजाक है या ये बच्चों को अगवा करने आया है, और लोगों ने बड़ी मुझे परेशान भी किया, लेकिन मैं डटा रहा और मुसलसल मैं डेली वहाँ जाकर पढ़ाता रहा और फिर बच्चे बढ़ना शुरू हो गए। और मेरा तरीका ये था कि मैं बच्चों के साथ लंच करता था, बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों के घरों में जाता था, उससे बच्चे आते थे पढ़ने, अदरवाइज वालदेन उनको काम पे बिठा दिया करते थे। तो इस तरह से बच्चे बढ़ना शुरू हुए। तो आपने पूरे कल्चर से जंग की? जी, बहुत ही जंग, और अब तक जंग जारी है। फिर मैंने ये देखा कि इन बच्चों में इतना टैलेंट है, अगर इन बच्चों को जो कच्ची आबादियों में पैदा होते हैं मौका मिले, मोहब्बत मिले, तो ये वो कुछ कर सकते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब तक कितने स्टूडेंट्स फारिग तहसील हो चुके हैं? अब तक जिस इलाके में जब मैंने स्कूल खोला था वहाँ एक बच्चा भी पांचवी क्लास पास नहीं था, मुस्तफ़ा कॉलोनी। अब वहाँ पर 2000 बच्चों ने मैट्रिक किया है और 800 बच्चों ने इंटर किया है और तकरीबन 50 बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है और एक बच्ची ने कराची यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास थर्ड पोजीशन ली है बीएस डिपार्टमेंट कंप्यूटर, और एक बच्चा जो मेरे से घर पे आके पढ़ता था मजदूर का, जिसको मैंने 10 साल पढ़ाया, उसने कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन ली और वो पीएचडी करने स्वीडन गया हुआ है। ये मैंने देखा कि गरीब जो लोग हैं इनमें बड़ा टैलेंट है, और कच्ची आबादी में आपको दावत दूंगा, आप आए हमारे स्कूल में और देखें कि किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपको इस काम में सपोर्ट किसने किया? जाहिर है इन सब कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है। मेरे काम का स्टाइल ये है कि मैं काम शुरू करता हूँ और अपनी मेहनत के साथ, फंड में जमा नहीं करता, फंड पे मेरा ट्रस्ट भी नहीं है और चंद पैसे मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे मेहनत पसंद है। मैंने कचरा कुंडी के लिए कोई चंदा नहीं किया, हालांकि ये अजीब बात है कि लोग पहले चंदा करते हैं और फिर स्कूल खोलते हैं, मैं बगैर चंदे के काम करता हूँ। और इस वक्त हमारा महाना खर्च जो है 12 लाख रुपए है और ये बगैर चंदे के हो रहा है, बगैर चंदे के 12 लाख रुपए। इस तरह पैसे आते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। बात अवकात मेरे घर पहुंचता हूँ स्कूल से शाम को तो मेरे टीवी के ऊपर चेक पड़ा होता है, मैं चेक खोल के देखता हूँ 5 लाख का चेक है, पता नहीं किसने भेजा। मैं मालूम करता हूँ भाई कहाँ, फिर एक महीने बाद पता चलता है कि किसी दोस्त ने कहा, मैंने कहीं जिक्र किया था, शायद उन्होंने भेजा होगा। तो इस तरह से 26 साल में मैं हैरान हूँ कि किस तरह से, और मैंने जब कॉलेज का सोचा कि मैं बच्चों के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूँ, तो एक हफ्ते के बाद एक साहब ने 50 लाख का प्लॉट डोनेट कर दिया, और फिर जब मैंने उसके इमारत बनाने का सोचा 1 करोड़ की, एक पैसा नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा कि शुरू कर दो, इंजीनियर है वो सिविल, तो कहना पैसा, मैंने कहा पैसा आएगा तुम पठानों को लगा दो खुदाई के लिए। जिस दिन खुदाई लगाई 1 करोड़ रुपया एक साल में आ गया बगैर किसी को कहे, ये है रस्ती बात, इस तरीके से खैर चल रहा है। अच्छा, रेशो क्या है खवातीन स्टूडेंट्स का? 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं, और एक वक्त था कि लड़कियों को पढ़ाने का रुझान बिल्कुल नहीं था और वालदेन कहते थे कि हम लड़कियों से कौन सी नौकरियां करानी है, अब लड़कियां पोजीशंस ला रही हैं। यस,
और हमारे स्कूल के मैट्रिक के बच्चे 100% A1 ग्रेड लेते हैं। हाँ, और आप हैरान होंगे, ये वो बच्चे हैं, आप किसी से पूछे आपके वालिद क्या करते हैं, ठेला चलाते हैं, क्या करते हैं, रक्षा चलाते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं। पोजीशन आपके नंबर कितने हैं, 85%, आपकी कितनी है, 87%, आपकी कितनी है, 89%, ये हालत है। और इसको बड़ा एक्सेशन जो लोग आते हैं देखते हैं कि हैरान होते हैं कि बच्चे किस तरीके से, और ये मोहसिन भी कोई बहुत गरीब घराने से ताल्लुक है इसका, और इसके वालिद साहब तो इस पर नाराज भी रहे, हालांकि पोजीशन है कि तुम पढ़ क्यों रहो, और ये आप अपने घर को भी सपोर्ट करता है, अपने सारे खर्चे भी पूरे करता है, यूनिवर्सिटी के फीसें भरता है अपनी, और अपने घर को भी सपोर्ट कर रहा है, तालीम भी आता है। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताइए कि आप आगे चल के आपकी प्लानिंग क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग? मैं अपना बी कंप्लीट करने के बाद एमई करूंगा, ओके, और फिर इंशाल्लाह केमिकल इंजीनियरिंग में ही पीएचडी करूंगा। रहोगे तो पाकिस्तान में ना? बिल्कुल, और यहीं के बच्चों के लिए काम करोगे? बिल्कुल, लेकिन सर को नहीं छोड़ना? कभी नहीं। कभी नहीं ना? पक्का? पक्का। और थोड़े अपने स्कूल के अंदर ये जो स्कॉलरशिप्स है ना, इनको थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा ज्यादा करो, हमें एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा जो बेतहाशा टैलेंटेड है। ये शो ही ऐसा है, ना खत्म होने वाला शो है, एक ऐसा शो जहां टैलेंट बेशुमार है। एक शख्स है जिसने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। आपकी फैमिली लाइफ मुतासर तो हुई होगी? जी, मेरी फैमिली लाइफ मुतासर थी, लेकिन मेरी वाइफ बैठी है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये भी 19 साल से स्कूल में ही है, 19 साल से मेरा साथ दे रही है। और हमारे बच्चे जब पैदा होते थे तो जैसे 40 दिन घर पे गुजारने, हम उसका पहला दिन स्कूल में गुजारते थे। बच्चा हॉस्पिटल से स्कूल आता था और शाम तक वो हम उसको कोने में एक कॉट में डाल दिया करते थे बच्चों को अपने, और हम दोनों अपना पढ़ाते थे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, और माशाल्लाह हमारी तवज्जा करके बच्चों पे बहुत कम है। हम दोनों मियां बीवी फॉर्म के बच्चों की फिक्र में लगे हुए हैं कि इनको बना। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा एक बच्ची मेरी सेकंड ईयर में है, ओके, प्री मेडिकल में, और एक बच्चा ओ लेवल में है, और एक 8 में है, और एक 6 में है। अगर आप इजाजत दें कि मैं उनसे बात कर सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मजाहिर साहब के साथ गुजारा करना मुश्किल हुआ कभी? मुश्किल दूसरे के, दूसरों अगर मेरी जगह कोई और होता तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने एडजस्ट किया और मैं माशाल्लाह साथ रह रही हूँ, और हम दोनों बहुत खुश हैं। वो लम्हा कैसा था जब पहली मर्तबा इन्होंने आके आपसे कहा कि मैं कचरा कुंडी में एक स्कूल खोल रहा हूँ? नहीं, मैं कहा बिल्कुल वेलकम, मैं भी साथ गई इनके, और हमने साथ जाकर काम शुरू किया। तेरा ही बस्ता, जाना तेरा ही बस्ता, मजिस्ता
सूरत में सबका हाथ पकड़ना है, पहले भी उम्मीद यही थी, मिल के साथ चलना है, कुछ भी हो जाए, सूरत में सब
वेलकम. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर कमिंग. आपका नाम? विकी. विकी. सनी. सनी. एंड यू सर? शान. शान. ऑलराइट. कब से गा रहे हैं आप लोग? 7 साल की एज से गा रहे हैं. 7 साल की और तकरीबन कुछ 15 साल का अर्सा हो गया. कुछ 15 साल का अर्सा हो गया गाते हुए. जी. वाओ वंडरफुल. यू गाइस आर ब्रिलियंट. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. अनप्लग्ड वर्जन ऑफ योर ओन सॉन्ग. रीजन आपको इनसे मिलवाने का ये था कि इन्होंने कोई और गाना नहीं गाया, बल्कि जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने अपना ही लिखा हुआ, इनका ही लिखा हुआ गाना है और इन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना है. पाकिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान वीक मना रहे हैं जियो टेलीविजन नेटवर्क पे. वी रियली अप्रिशिएट इट. बहुत अच्छा. थैंक यू. बहुत जितने स्टूडेंट्स हैं भी जिनके अब बहुत हाई एम्बिशंस हैं कि आप जाएं बाहर पढ़ने. जमन, पूरे पाकिस्तान में 5 मॉडल स्कूल हैं. 5 साल की उम्र से लेकर
50 साल तक की उम्र के स्टूडेंट पढ़ते हैं। 5 स्कूलों में तकरीबन 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी की, इस इंस्पिरेशन की सबसे खास बात इसकी फीस है, जो आज के दौर में 1 रुपए की सूरत में ली जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ट्रू इंस्पिरेशन, मिस प्रवीण राव। तशरीफ लाइए प्रवीण। ओ लेवल्स इंग्लिश लिटरेचर में पूरी दुनिया में टॉप किया है, पूरी दुनिया में टॉप किया है। स्कूल ने गोल्ड मेडल दिया, बगैर ट्यूशन के ओ लेवल के 11 मजामीन पास किए। वंस अगेन रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर संबल सैयद। अच्छा, ये सिलसिला क्या है परवीन, 1 रुपया कैसे चला सकती हैं आप स्कूल? 1 रुपए में तो नहीं चलता, लेकिन ये कि उनसे फीस यूं ली जाती है कि उन्हें ये एहसास न हो कि उन्हें फ्री पढ़ाया जा रहा है और उनकी इज्जत नफ्स कायम रहे। 1200 बच्चे, कितना खर्चा हो जाता है नॉर्मली? खर्च तो बहुत होता है क्योंकि ये एक मॉडल स्कूल है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। क्योंकि इसमें हमें ये देना था कि पाकिस्तान में हमारी, आपको पता है कि एजुकेशन जो गांव देहात और सारे दूसरे इलाके हैं उसमें बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके लिए हमें ज़ाती तौर पे कोई प्रोजेक्ट तैयार करना था, कोई पायलट बनाना था ऐसा, जिससे ये मालूम हो कि असल में हमारी जो ये आबादी है इसको किस तरह का स्कूल चाहिए, कि वो सस्ता भी हो और वो अच्छा भी हो, उसमें तालीम भी उनकी आला हो। तो ये प्रोजेक्ट जब मैंने बनाया है तो इसकी 4 डायमेंशंस निकले हैं। एक तो ये है कि कम फीस वाला स्कूल हो और उसमें मुरवजा तालीम हो, अंग्रेजी भी हो, उर्दू भी हो, साइंस भी हो। और कम फीस का मतलब है मैंने 1 रुपया फीस रख दी। दूसरा, हमें ये ज़रूरत है कि आपको पता है कि इस वक्त हमारी कौम के कितने बच्चे नौजवान हैं ज़्यादा तादाद में और बूढ़े और बहुत कम हैं, तो उन बच्चों में से एक तादाद ऐसी है जो कितनी क्लासों से निकल गए, बड़े हो गए, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई स्कूल उन्हें लेता नहीं है। That's the most fascinating part, ना? कि 5 से 50 साल की उम्र तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो दूसरा डायमेंशन उसका, एक डायमेंशन ये हुआ कि कम फीस होनी चाहिए, दूसरा डायमेंशन हमने ये बनाया कि उन बच्चों को ला के दाखिल किया जाए और उनको फास्ट ट्रैक पे एजुकेशन दी जाए। तो वो 1 साल में 2-2 जमातें करते हैं, तो उसे हम तेज रफ्त स्कूल कहते हैं, तेज रफ्त स्कूल। और थर्ड डायमेंशन ये है कि खवातीन को अपना शनाख्ती कार्ड भी पढ़ना नहीं आता, बस का नंबर भी पढ़ना नहीं आता, तालीम जो है वो भी उसका हिस्सा। और चौथा डायमेंशन उसमें यह है कि जो बच्चियां अपने घरों के करीब स्कूल होता है, मैट्रिक तो कर लेती हैं लेकिन हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती और यूनिवर्सिटीज बहुत दूर होते हैं, तो हमने स्कूल में ही उनके लिए ऑन जॉब ये इंतजाम किया कि वो कर्ज लें। wow. वो भी ये नहीं करें कि वो फ्री पढ़ें, okay. ताकि वो अदा कर सकें वापस और उन्हें ये एहसास हो कि हमने खुद कमाया और खुद पढ़ाई की, और वो ऑन जॉब पढ़ाई करती हैं। संभल, पूरी दुनिया में टॉप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, इंग्लिश लिटरेचर में। वाओ, ओके। और ये कैसे हुआ? बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर मेरा जुनून है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, लिटरेचर। मुझे किताबों का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शौक था, और फिर ये कि कुछ मैं इस लिहाज से भी लकी रही कि मुझे टीचर बहुत अच्छी मिली। लेकिन एक आपको बहुत मज़े की बात बताऊं कि मैंने 11 पर्चे दिए थे जिनमें से एक में ही अल्लाह ने मुझे टॉप कराया, और जब मैं वो पर्चा देने जा रही थी तो मैं अपने भाई के साथ जाई थी, वो ड्राइव कर रहे थे और सुबह मेरा पेपर था, और ड्राइव करते करते वो सो गए
वो सो गए ड्राइव करते करते व्हील पे, मतलब वो व्हील पे, ही वाज बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील एंड ही फेल अस्लीप और हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पर्चा शुरू होने में कुछ मिनट बाकी थे एंड आई वाज फ्रीकिंग आउट कि मेरा लिटरेचर का पर्चा तो गया काम से। अभी मेरे पप्पा आए और मुझे किसी तरह लेके गए, तो जब मैं जिस वक्त पेपर करने बैठी थी उसमें मेरी ऐसी हालत थी कि संभल बस कर दो ये लिटरेचर का पेपर, बस पास कर दो भले ग्रेड ना आए। And you topped it. Exactly. So, अब क्या करती हैं आप? अभी मैं A-levels कर रही हूँ St. Patrick's High School से। Okay. और इसके बाद क्या planning? इंशाल्लाह मेरा plan तो थोड़ा high है। I want to go into scientific research. Okay. जिसके लिए probably मुझे कहीं abroad से education लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो नहीं तो scientific research किस किस्म की? मेरा interest is more towards neurosciences. Wow, okay. Yeah, neurosciences, like brain की वो science जो कि थोड़ी psychology को touch करती हो, लेकिन उसमें थोड़ी concrete sciences भी हो, you know, and things like that. Because सर भी मुझे एहसास हुआ पढ़ते हुए कि अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं है, स्पेशली आपके ब्रेन से रिलेटेड। हमें पता भी नहीं कि हमारे ब्रेन की पोटेंशियल कितनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे पढ़ के इसमें रिसर्च करूँ, कुछ कुछ कर सकूँ। और फिर सेकेंडली ये भी कि मुझे भी एहसास होता है कि इस खत्ते में हमारे पास साइंटिफिकली एडवांस्ड जो है बहुत लोग भी बहुत कम है, इंस्टीट्यूट भी बहुत कम है। तो आई फील कि वहाँ पे थोड़ा लैक करते हैं हम। यू नो आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि आप लोग बैठ के मेरा शो देखें, बट टुडे आई रियली एम रिक्वेस्टिंग यू, जो लोग भी देख रहे हैं वो SMS करें और बताएं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। एंड इट्स माय प्रिविलेज यू पीपल आर हियर, सीरियसली अनबिलीवेबल। अच्छा प्रवीण, आपकी इंस्पिरेशन क्या, आप क्या करेंगी, आप इसके बाद क्या करेंगी? ये पायलट प्रोजेक्ट बना ही इसलिए है कि अब जो पाकिस्तान में पूरे इलाके हमारे, जिसे आप कहते हैं कि शहरों में जो तालीम है वो 20% बनती है, हमारे पूरे मुल्क का जो हिस्सा बनती है, तो अब 80% को पढ़ाना नहीं है क्या? डेफिनेटली वी शुड उन्हें पढ़ाना है इंशाल्लाह ताला। आप लोग मेरा साथ अगर दे सकें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकें, बिकॉज आई एम गोना कॉल अपॉन समवन हु इज रियली अ वंडरफुल सिंगर और वो पाकिस्तान के लिए गाना चाहते हैं। हम सुनेंगे। सर मैं अगर मेरी क्यू एंड आई, तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, अपनी कौम को, कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है ब्रेन ड्रेन, यानी कि पाकिस्तान का जो असल टैलेंट है ना वो सारा बाहर जाके सेटल हो जाता है। और मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि इवन अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो USA जैसे कंट्री में, इतनी वेल डेवलप्ड एजुकेटेड कंट्री में, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की परसेंटेज इतनी हाई है कि मुझे लिटरली रोना आ रहा था उस रिसर्च को पढ़कर कि एक ऐसे मुल्क से वो सारे डॉक्टर्स ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे मरीज लिटरली मर रहा होता है और डॉक्टर मौजूद नहीं होता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने स्टूडेंट्स हैं अभी जिनके अब बहुत हाई एम्बिशंस हैं, कि आप जाएं बाहर पढ़ने के लिए, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है आप जाएं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन खुदा रा वापस अपने मुल्क जरूर आना, अपने मुल्क वापस आओ, अपने मुल्क को कुछ दो। हकीकत ये है कि आपकी आइडेंटिटी जो होती है ना वो चेंज नहीं होती। आप किसी भी अच्छे से अच्छे मुल्क में ले रहे हो, आप वहाँ पे एक फॉरेनर ही रहते हो, और फिर आप, आपको जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, आपको एक पहचान दी, उसका कम से कम इतना तो हक बनता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप वापस आके इधर लगाओ। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वापस अपने मुल्क आ जाओ। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना, क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना, फिर कभी उन पर लगाकर हाशिए रख छोड़ना, डायरी में लिखे मेरे तस्करे रख छोड़ना। आज किया था वहाँ पे, तो कैसा लगता है पाकिस्तान को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना? बहुत अच्छा लगता है, यू नो कि एक फील होता है अंदर से कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। yeah? बहुत अच्छा था। और आगे चल के तुमने क्या करना रोज? सिंगिंग करूंगी, मगर मैं चाह रही हूँ कि मैं कॉमर्स करूँ। okay. और इसके बाद बैंकिंग। उसके बाद बैंकिंग जी।
But then, of course, you're going to continue to sing, right? Yes. गाओगी तो सही ना? जी. तो आज हमें क्या सुना रही हूँ? आज मैं आपको एक बहुत अच्छा मेरी नगमा सुनाऊंगी, जीवे पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान? जी. हो जाए. Gentlemen, once again, welcome back. Time is winding down. दो हिस्सों का ये शो अब अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है. आपसे थोड़ी देर के बाद यहाँ फिनाले हो जाएगी. Of course, आप जियो टेलीविजन नेटवर्क पे हमारे शो को भी देख रहे हैं और बहुत सारे शोज देख रहे हैं. ये सिलसिला 23 मार्च तक चलता रहेगा. 23 मार्च जो करारदाद पाकिस्तान का दिन है, उस रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये अहद किया था, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान. And then, in 1947, 7 साल के बाद पाकिस्तान का कयाम जहूर पजीर हुआ. हमारे मुल्क में जिंदा रहना अज खुद एक डर है.
लेकिन मेरे ही इस मुल्क में एक ऐसा शख्स भी है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट कहता है, मैजिशियन कहता है। यहां उसने एक डेयर की मिसाल कायम की थी जिस पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी बार बार, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, घर पे आप ये हरगिज मत कीजिएगा। नेकेड ग्लास था, कांच था जिसको तोड़ दिया गया था, 6 इंच थिक वो वॉकवे था, पाथवे था, करीबन 14 फीट लंबा था और उस पे बेयर फुटेड ये शख्स चला है। हमारे पास इसकी एक फुटेज है, आइए पहले देखते हैं ये। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो कैसा लग रहा था जब तुम उस कांच पे वॉच कर रहे थे, वॉक कर रहे थे? कोई डर नहीं था, काफी लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, खास तौर पे मेरी माँ की जो से मुझे देख रही है और उस वक्त भी देख रही थी और काफी लोग दुआएं कर रहे थे। एक बार फिर मैं उस फुटेज को देखना चाहता हूँ एंड प्लीज टेल मी कि तुम क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक साइड के अंदर फुटेज चल भी रही है, बट मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, तुम आंसर भी कर रहे थे। एक मकाम आया था जहाँ मैंने तुमसे कहा था डू यू वॉन्ट टू क्विट, तुम छोड़ना चाहते हो, डू यू रिमेम्बर दैट, तुमको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त मेरे दिल ने कहा कि छोड़, पर दिमाग ने कहा नहीं, यही मुकाम है, यही मौका है और यही मुमकिन ही। दिमाग ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिमाग की सुनी। तो अभी फियांसे से भी कोई नहीं, मंगेतर भी कोई नहीं, लेकिन किसी से मोहब्बत को किसी लगाओ? अपने मुल्क। अच्छा, अपने मुल्क को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, उनका इस मुल्क का नाम दूसरे देशों में पहुंचाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है। बस पाकिस्तान में टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, इतना टैलेंट है दैट इट इज लिटरली अनबिलीवेबल टू सी अ कंट्री लाइक दिस नॉट प्रॉस्पर। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने बहुत सारे लोग, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और इस सवाल पे हम सब कुछ छोड़ेंगे। यहां पर अबू मोहम्मद फरीद अयाज कवाल वो तशरीफ लाएंगे एंड ऑफ कोर्स वो आके यहां पर कबाली की सूरत में सोनी धरती को पेश करेंगे, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यू गाइज विद अ क्वेश्चन। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक मुल्क जिसके लोग इतने बासलाहियत हों वो प्रॉस्पर ना करें? इंडिविजुअली हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, हम किसी भी जगह चले जाएं, इंडिविजुअली वी शाइन, फिर क्या वजह है कि हम साथ काम नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात तल्ख लगे, लेकिन जब तक हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज पाकिस्तान वीक्स सेकेंड शो। आप मुझे डेफिनेटली मेरे दूसरे शोज में, 31st के शो में भी देखेंगे, 1st के शो में भी देखेंगे, जो मॉर्निंग शोज हैं उसके अंदर भी देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, परवीन राव हों, हमास हों, बाबर हों, सुंबल हों, हुमैमा हों, हु मोहसन हों, हु एवर इट इज, या मजाहिर साहब हों, हु एवर इट इज, उन सब ने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा काम किया है। एक शख्स है जिसने कुछ बच्चों को जख्मी देखकर एक स्कूल बनाने का फैसला किया। एक खातून है जिन्होंने 1 रुपया लेकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। एक बच्ची है जिसे खुद यह भी नहीं पता कि वो कितनी टैलेंटेड है, वो ये कहती है कि बाय फ्लूक मैंने दुनिया में टॉप कर लिया। एक बच्चा है जो जिस कॉम्पिटिशन में जाता है वहां मेडल्स हासिल करता है और उसके फादर उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। डू यू रिमेंबर और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना सेड, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, टू योर टेम्पल्स एंड टू योर प्लेस ऑफ वर्शिप। इन ड्यू टाइम्स हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स। As long as you should know that a citizen is a sovereign citizen of this
sovereign state of Pakistan, regardless of caste, creed, and religion. This was the message of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. एक गीत जो हमें बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है. आई वांट थैंक यू शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्याल रखा है, टू कम ऑन स्टेज. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गिव यू सोनी धरती एन कवाली. हियर वी गो. तमन्नाओं मेरी क्या सोनी धरती.